Hey there, lovies. How are you all? आप अपनी लाइफ में हर कुछ बहुत फास्टली मैनिफेस्ट करना चाहते हो सकता है वो आपकी कोई भी इच्छा हो, जॉब की हो, लव की हो, मैरिज की हो, मनी की हो, एनीथिंग, कोई भी इच्छा आपके मन में होगी जो आप चाहते हैं बस जल्दी से मुझे मिल जाए और उसके लिए मुझे कोई टेक्निक भी ना करना पड़े। तो आज मैं आप लोग को सिर्फ ये 4 स्टेप्स के थ्रू एक चीज बताने वाली हूँ जो आप अगर करेंगे कंटिन्यूसली ऑन द बेसिस ऑफ कंटिन्यूटी के साथ करेंगे, रेगुलरिटी के साथ करेंगे, तो आप कभी अपनी मैनिफेस्टेशन में फेल नहीं होंगे, स्पेशली वो लोग जो अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। करना क्या है? पहली चीज जो आपको अपनी सिर्फ एक इच्छा पे काम करिए, जो चीज आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन वो सिर्फ अभी एक होनी चाहिए। हम एक एक करके अपनी इच्छाओं को मैनिफेस्ट करेंगे। तो पहले आप किसी अपनी एक विश पे काम करेंगे, कोई एक इच्छा सोच लीजिए जो आप पूरी करना चाहते हैं। सेकंड, अब आपको उसमें पूरा स्पेसिफिक होना है। स्पेसिफिक मतलब भाई पूरा क्लियर होना है कि मुझे तो यही चाहिए। जब आप यूनिवर्स को बोलते हैं तो यूनिवर्स आपको वही देते हैं जो आप मांगते हो। वहां कुछ ऊपर नीचे नहीं होता, जैसा मांगते हो वैसा रिसीव करते हो। इसलिए आपको स्पेसिफिक होना है, क्लियर होना है कि भाई अगर मुझे 50,000 मैनिफेस्ट करना है तो 50,000 रुपए ही मांगना है। वहां पे कोई 25,000 या 30,000 रुपए की बात नहीं चलेगी। जो चीज आप मांगते हो उसमें आपको क्लियर होना है। उसके बाद आपको क्या करना है, अब यूनिवर्स से मांगना है दैट यूनिवर्स मुझे ये चीज मैनिफेस्ट करना है अपनी लाइफ में, मैं अपनी लाइफ में ये चीज चाहता हूं या चाहती हूं, प्लीज आप मुझे ये दे दीजिए क्योंकि मैं इसको दिल से चाहता हूं और मुझे आप पे पूरा भरोसा है। क्योंकि हम मांगते हैं उनसे हैं तो हमें उनको खूब सारा प्यार एंड अफेक्शन करना चाहिए। उसके बाद जब आप उनसे मांग लेते हो, अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी मैनिफेस्टेशन में, दैट इज आपको भरोसा रखना शुरू करना पड़ता है कि वो चीज आपके पास है। जितना ज्यादा आप पॉजिटिव बोलेंगे, अफर्मेशंस बोलेंगे, अपने आप को बोलेंगे हाँ मेरे पास आ गया है, मेरे पास 50 रुपए आ गए, 50,000 रुपए आ गए हैं, जो भी आपकी इच्छा है ऐसा बोलिए कि वो चीज आपके पास आ गई है एंड वो आपके पास है। जब जब आप उस पॉजिटिव अफर्मेशन को बोलोगे तो वो यूनिवर्स भी बोलेगा अरे यार ये तो इसने भरोसा रख लिया कि इसके पास ये चीज है, इसने अपने अंदर ये भरोसा जता दिया है कि हाँ इसके पास ये चीज है, अब मेरा समय है कि मैं उसको ये चीज दू। जब जब आप अपने अंदर बिलीव सिस्टम को स्ट्रांग करते जाएंगे, भरोसे को बढ़ाते जाएंगे, तब यूनिवर्स आपकी इच्छाओं को पूरा कर देते हैं। जब आपका बिलीव सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है, अब ये नहीं दिन भर उसी चीज के बारे में सोच रहे हो, बस एक बार बोला और छोड़ दो। जब आप अपना काम कर रहे होंगे, आप बहुत 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 बिजी होंगे, तब यूनिवर्स अनएक्सपेक्टेडली सरप्राइजिंगली आपको बहुत बड़ा सरप्राइज देंगे और आपकी विश पूरी हो जाएगी। क्योंकि यूनिवर्स तभी इच्छाएं पूरी करते हैं जब आप व्यस्त होते हैं, आप दूसरे कामों में व्यस्त होते हैं, इस चीज के बारे में नहीं सोचते कि मैंने मांगा है अब मुझे वो मिलेगा, इन चीजों के बारे में सोचना है, बल्कि आपको बस अपने काम में व्यस्त होना है और उस सुप्रीम पावर के ऊपर छोड़ देना है। क्योंकि वो मिराकुलसली एकदम मिराकल आपको देती है और सरप्राइजिंगली आपकी सारी इच्छाओं को पूरा कर देती है। डू ट्राई दिस रेमेडी, लेकिन इसमें कोई नेगेटिविटी नहीं डालना। कब होगा, कैसे होगा, कौन लेकर आएगा, कौन इच्छा पूरी करेगा, किसके थ्रू भगवान भेजेंगे, ये चीज नहीं सोचना है। बस आपको बोलना है, उन पे भरोसा रखना है और अब उसमें सरेंडर कर देना है। जितनी जल्दी आप सरेंडर करोगे उतनी जल्दी आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। डू ट्राई दिस रेमेडी एंड मुझे कमेंट करके बताना कैसी लगी। बाय।